हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टीओसी, जो कि सीएस फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स क्वेश्चन शेयर करें उनमें से एक भी को भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ऑल टॉपिक्स क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी को यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर में रेगुलरली फिफ्थ सेमेस्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए हम सबसे पहले फिफ्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो दोस्तों, आपको सामने शॉर्ट नोट में कुछ टॉपिक दिख रहे होंगे 6 से 7, इन सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि दोस्तों इनका फिक्स नहीं है कि शॉर्ट में आए या फिर लॉन्ग में आए, लेकिन लास्ट टू प्रीवियस ईयर सेमेस्टर बैकलॉग हो या फिर करंट सेमेस्टर हो, ये शॉर्ट में ही आए हैं, इसलिए मैंने इनको शॉर्ट में इंक्लूड किया है। सो दोस्तों, ऐसा पढ़िएगा कि शॉर्ट में आ जाए तो बन जाए, लॉन्ग में आ जाए तो बन जाए, अच्छा खासा कंटेंट आप लिख पाएँ। सो दोस्तों, शॉर्ट नोट में आपको 7 टॉपिक तो पक्का करना ही है, इनमें से एक भी कोई भी स्किप नहीं करना। अब इसके अराउंड एक ट्यूरिंग मशीन का टॉपिक है जिसके अराउंड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वॉट इज इसके टाइप्स, मल्टी टेप एंड यूनिवर्सल टाइप, आइडिया ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन्स, इसकी डिजाइनिंग, इसके टाइप्स वगैरह कभी कभी अलग से पूछ लेता है, साथ साथ इसकी डिजाइनिंग भी पूछता है, यूनिवर्सल टाइप की डिजाइनिंग। ऐसा डिजाइनिंग ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन टाइप्स वगैरह, मतलब कि यार ट्यूरिंग मशीन के अराउंड एक ना एक टॉपिक आपको एवरी ईयर देखने को मिलेगा, तो चांसेस है कि इस बार भी ट्यूरिंग मशीन के रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। दोस्तों, इसी के साथ कुछ टॉपिक और हैं जो कि आपको सामने दिख रहे हैं एक्सप्लेन में। दोस्तों, ये चारों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मतलब कि फिफ्थ यूनिट में अभी तक जो भी टॉपिक अभी मैंने बताए हैं आपके लिए वो सभी सुपर इंपॉर्टेंट हैं। इस बार आपके लिए 2 से 3 टॉपिक देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है फिफ्थ यूनिट से काफ़ी ज़्यादा पूछता है, तो फिफ्थ यूनिट को तो स्किप करना ही मत। तो दोस्तों, यहाँ तक फिफ्थ यूनिट के ऑल IMP कम्प्लीट हुए, चलते हैं फर्स्ट यूनिट की ओर। तो दोस्तों, आपको फर्स्ट यूनिट के IMP क्वेश्चन दिख रहे होंगे। दोस्तों, फर्स्ट यूनिट से डायरेक्टली क्वेश्चन ही उठा के दे देता है, इसमें कोई टॉपिक नहीं है कि इसके राउंड आपको क्वेश्चन देखने को मिले। सो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, डिजाइन DFA दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग विथ एट मोस्ट 3 AS। सो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है, 3 AS की जगह पे कुछ और चेंज कर दिया जाता है, क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो दोस्तों, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सो दोस्तों, सेकेंड नंबर में आपको दिख रहा होगा कंस्ट्रक्ट अ NDFA एक्सेप्टिंग। दोस्तों, NDFA और DFA का एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है, कभी ये आता है कभी ये आता है, इसलिए दोनों को ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कुछ फर्स्ट यूनिट से शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको सामने दिख रहे हैं, मिले एंड मोर मशीन। तो दोस्तों, इसका आपको ऑल आउट पढ़ना है, कभी शॉर्ट में भी क्वेश्चन बनता है, कभी लॉन्ग में भी बनता है, कभी कभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, तो इसका ऑल आउट आप पढ़ के जाइएगा, आपसे क्वेश्चन मिस नहीं होगा। सेकंड नंबर में दिख रहा है ट्रांजिशन ग्राफ एंड ट्रांजिशन मैट्रिक्स, इसका आपको कंपेयर भी पूछ सकता है या फिर कोई एक स्पेसिक आपको दे दे और उसका आपको एक्सप्लेनेशन पूछ ले। तो दोस्तों, यहाँ तक फर्स्ट यूनिट के IMP कंप्लीट हुए, चलते हैं सेकंड यूनिट की ओर। तो दोस्तों, सेकेंड यूनिट के IMP आपको सामने दिख रहे होंगे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इसके अंदर 5 टॉपिक या फिर बोल सकते हैं क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इनमें से एक भी को भी स्किप नहीं करना, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, ये जो IMP क्वेश्चंस हैं वो 2015 के बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से निकाले गए हैं, तो हो सकता है आपके लिए ज़्यादा वेट लगे, मतलब कि आपके लिए ज़्यादा टॉपिक्स लगे, तो आप स्किप कर सकते हैं। आप 2018-2017 से उठाकर पढ़ सकते हैं, जितना भी आपके पास पेपर अवेलेबल हो उसमें से ये टॉपिक मिला लीजिएगा। मैंने मैच कर लिए थे, लेकिन यार वेटेज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए आप लोग 3 से 4 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके एग्जामिनेशन देने जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद कुछ टॉपिक्स और हैं जो कि सेकेंड यूनिट से रेगुलरली पूछे जाते हैं, आपको सामने दिख रहे होंगे। दोस्तों, सेकेंड यूनिट से मेनली जो क्वेश्चन आता है वो ऑटोमेशन पे आता है, इसके टाइप्स हो सकते हैं या फिर ट्रांजिशन वगैरह, इसलिए ऑटोमेशन वाले क्वेश्चंस को स्किप मत करिएगा। बाकी दोस्तों, आपको जो सामने दिख रहे हैं ये सभी आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो यहाँ तक दोस्तों सेकेंड यूनिट के IMP कम्प्लीट हुए, चलते हैं थर्ड यूनिट की ओर। तो दोस्तों, थर्ड यूनिट के IMP आपको सामने दिख रहे हैं, फर्स्ट में एक्सप्लेनेशन में 4 से 5 टॉपिक टाइप से दिख रहे हैं, GNF, CFG, कॉन्स्ट्रक्ट फ्री, ग्रामर, डेरिवेशन, ट्रीज। तो दोस्तों, ये सभी एक्सप्लेनेशन करने भी आते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस के, इन्हीं टॉपिक्स के आपके लिए न्यूमेरिकल टाइप्स ग्रामर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि आपको सामने दिख रहे हैं इस टाइप से। दोस्तों, इसमें आपका कन्वर्जन पूछा जाता है CNF टू CFG, G इंटू GNF,
इस टाइप से, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सीधा लिख दिया है ग्रामर क्वेश्चंस। तो दोस्तों इनको भी आपको तैयार करना है। थर्ड यूनिट से एक्सप्लेनेशन के लिए कम आता है, ये क्वेश्चंस टाइप से ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको सामने दिख रहे हैं एक्सप्लेन में, इन सभी को आप तैयार कर लीजिएगा अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका थर्ड यूनिट तैयार हो जाएगा। दोस्तों डिफाइन में कुछ आपको दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो और ज़्यादा आपको कोर्स नहीं लग रहा हो तो ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक थर्ड यूनिट के IMP हुए कंप्लीट। चलते हैं फोर्थ एंड लास्ट यूनिट की ओर। फिफ्थ यूनिट के IMP हम सबसे पहले शेयर कर चुके हैं। दोस्तों जैसा थर्ड यूनिट से क्वेश्चन आते हैं ग्रामर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप, ऐसा ही आपका फोर्थ यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं डिजाइनिंग टाइप, जो कि दोस्तों मेनली डिजाइन PDA के लिए आते हैं। पुश डाउन का कभी कभी आता है, लेकिन PDA के अराउंड आपको एक ना एक क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाता है। इसी के साथ दोस्तों एक्सप्लेनेशन के लिए भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं फोर्थ यूनिट से, जो कि आपको सामने दिख रहे हैं डिफाइंड में। PDA, हाउ मेनी वेज PDA कैन एक्सेप्ट, डिटर्मिनिस्टिक्स PDA, मतलब कि आप फोर्थ यूनिट से PDA मेनली पूछा जाता है। PDA के अराउंड आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर में फोर्थ यूनिट के। तो दोस्तों यहाँ तक कि फोर्थ यूनिट के ऑल IMP कंप्लीट हुए, फिफ्थ यूनिट के हमने सबसे पहले ही कर दिए थे। तो दोस्तों फिफ्थ यूनिट को स्किप नहीं करना, बाकी आप जो चाहें तो स्किप कर सकते हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर में फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ यूनिट से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए दोस्तों आप लोग भी फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ यूनिट को प्रायोरिटी दीजिएगा। दोस्तों यहां तक कि ऑल IMP कंप्लीट हो चुके हैं TOC के, अगले किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो चाहिए है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू ऑल।